दोस्तों भारत की टीम ने नीदरलैंड की टीम को 411 रनों का टारगेट दिया था और इसके बाद बल्लेबाजी के साथ भारतीय टीम ने नीदरलैंड की टीम की कर दी बुरी हालत और भारत की टीम ने करी इतनी बड़ी जीत दर्ज। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला भारत और नीदरलैंड की टीम के बीच चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया, जहाँ इस बड़े मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। और दोस्तों भारत का प्रदर्शन बल्लेबाजी से इस मुकाबले में बेहद ही शानदार रहा। शुरुआत से लेकर अंत तक भारत के सभी बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में 50 से ज्यादा रन बनाए, जहां पहले कप्तान रोहित शर्मा और सुमन गिल ने भारत को शुरुआती इस मुकाबले में काफी शानदार शुरुआत दिलाई। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत का स्कोर पहले ओवर में ही 100 रन के पार पहुंचा दिया था और सुमन गिल ने तो अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे, लेकिन 100 रन के स्कोर पर भारत को पहला झटका बेन मैकग्रेन ने देकर सुमन गिल को आउट करा था और गिल 51 रनों के शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे, जहां उनके 8 रन के बाद इस मैच में बैटिंग करने विराट कोहली उतरे। और दोस्तों और विराट कोहली के मैदान पर आते ही पूरे मैदान पर शोर मच गया था, लेकिन एक तरफ कप्तान रोहित शर्मा ने भी अपने 50 रन पूरे कर डाले थे और दोस्तों ऐसा लग रहा था कि रोहित इस मैच में अपना शतक बनाने वाले हैं, लेकिन 129 रन के स्कोर पर वेस्टइंडीज ने कप्तान रोहित शर्मा को आउट कर दिया था और रोहित शर्मा 61 रनों के शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे, जहां इसके बाद बैटिंग करने श्रेयस अय्यर उतरे थे। और दोस्तों अय्यर इस मैच में काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक तरफ विराट कोहली अपने 50 रन पूरे कर लिए, लेकिन 50 रन पूरे करने के बाद विराट कोहली भी 200 रन के स्कोर पर मैन ओवर की बेन गेंद का शिकार बन बैठे और कोहली 51 रनों के बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो गए, जहां उनके आउट होने के बाद केएल राहुल उतरे थे। और दोस्तों इसके बाद केएल राहुल और श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में कमाल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम का स्कोर भी 400 रन के पार पहुंचा दिया था और इन दोनों के बेहतरीन बल्लेबाजी के आगे नीदरलैंड के सभी गेंदबाजों ने घुटने टेक दिए थे, जहां पहले श्रेयस अय्यर ने इस मुकाबले में शतक जड़ दिया था तो इसके बाद केएल राहुल ने आखिरी ओवर में 2 छक्के लगाकर अपना शतक पूरा किया था। हालांकि आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर वेस्टइंडीज की गेंद में केएल राहुल आउट हो गए थे और दोस्तों केएल राहुल केवल 64 गेंदों में 11 चौके और 4 बड़े छक्कों की मदद से 102 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने 2 रन बनाए, लेकिन इस मैच में श्रेयस अय्यर ने कमाल का प्रदर्शन करा और दोस्तों 94 गेंदों में वो 10 चौके और 5 छक्कों की मदद से 128 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे, जहां इस मैच में नीदरलैंड की तरफ से वेस्टइंडीज को 2 विकेट हाथ लगी थी। तो और अब भारत को से नीदरलैंड को ये मुकाबला जीतने के लिए 411 रन बनाने थे और जब नीदरलैंड की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत इस मुकाबले में बेहद ही खराब रही, क्योंकि 5 रन के स्कोर पर मोहम्मद सिराज वेस्टइंडीज को आउट कर दिया था और वो केवल 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन इसके बाद मैक्स डाउडर आक्रमण ने इसके बाद कमाल का प्रदर्शन करा, जहां इन दोनों की शानदार बैटिंग की वजह से भारतीय टीम को जो थोड़ी देर के लिए इस मुकाबले में दिक्कत हो गई थी, लेकिन 66 रन के स्कोर पर कुलदीप यादव ने आते ही नीदरलैंड को दूसरा झटका देकर आक्रमण को आउट कर दिया था और दोस्तों आक्रमण 35 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो इसके बाद 72 रन के स्कोर पर रविंद्र जडेजा ने मैक्स डाउडर को भी क्लीन बॉल मार दिया था और वो 30 रन बनाकर आउट हो गए थे, जहां इसके बाद एकदम से विराट कोहली भी गेंदबाजी करने आए थे और उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 111 रन के स्कोर पर एडवर्ड को आउट कर दिया था और दोस्तों एडवर्ड 17 रन बनाकर आउट हो गए थे और कोहली ने इस मैच में कमाल की गेंदबाजी करते हुए विकेट भी हासिल कर लिया था। लेकिन एक तरफ इस मैच में साहिब रान कमाल की बैटिंग कर रहे थे, लेकिन एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे उनके, तो इसके बाद सिराज ने भी 7 को भी आउट कर दिया था और वो 45 रन बनाकर आउट हो गए थे, जहां इसके बाद 208 रन के स्कोर पर नीदरलैंड के 7 विकेट गिर चुके थे। इस मुकाबले में भारत की जीत लगभग पक्की हो गई थी, क्योंकि आखिरी 47 गेंदों में नीदरलैंड की टीम को 203 रन बनाने थे और दोस्तों भारत की टीम इस मुकाबले में पूरी तरह पक्की हो गई। दोस्तों जाते वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। थैंक यू।